हिमाचल प्रदेश की बद्दी एसपी इल्मा अफरोज का मामला इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है। दरअसल दून से कांग्रेस से विधायक रामकुमार चौधरी से टकराव के बाद इल्मा अफरोज लंबी छुट्टी पर मुरादाबाद लौट आई हैं। इल्मा अफरोज 2017 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इस जानकारी के सामने आने के बाद वरिष्ठ पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में एक पोस्ट की और प्रियंका गांधी से एक बड़ा सवाल पूछा और उन्हें टैग भी किया। ऋचा ने एक्स पर लिखा, इल्मा विदेश से नौकरी छोड़कर आई थी और अपने देश अपनी अम्मी की सेवा करने। प्रियंका गांधी जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का क्या हुआ? ईमानदारी का इनाम लंबी छुट्टी। बातें बहुत हुई, अब लड़िए आप इल्मा के लिए, वरना कोई लड़की ऐसे आगे नहीं आएगी। ऋचा ने अपनी इस पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया। आपको बता दें, इल्मा के नेतृत्व में पुलिस ने नशा तस्करों खनन माफिया पर लगाम कसी। 15 अगस्त को कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के नहीं पहुंचने पर विधायक नाराज हो गए थे। इल्मा अफरोज ने अवैध खनन के आरोप में विधायक राजकुमार चौधरी की पत्नी का चालान काट दिया था। इस पर अब यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे अध्यक्ष कुंवर बासित अली कांग्रेस को घेर रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार अपनी एसपी को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कांग्रेस के दबंग विधायक की गुंडई के डर से आईपीएस इल्मा अफरोज को अपने घर यूपी आना पड़ गया। कांग्रेस की सरकार में ईमानदार मुस्लिम महिला अधिकारी को नौकरी नहीं करने दी जा रही है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस के नेता अब जवाब दें, अखिलेश यादव क्यों नहीं राहुल गांधी से बात कर इल्मा अफरोज को हिमाचल में सुरक्षा दिला पा रहे हैं? कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? एक ईमानदार अधिकारी को इंसाफ आखिरकार क्यों नहीं दे सके? बासित अली ने कहा कि इल्मा अफरोज एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अचानक इल्मा अफरोज के अपने घर आने की खबर मिलने के बाद से ही उनके आसपास के लोग भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यहां स्थानीय लोगों का कहना है कि इल्मा अफरोज एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वे गरीबों की बहुत मदद करती हैं और गरीब बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद करती हैं। सोशल मीडिया पर आईपीएस इल्मा अफरोज के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम पर उनके समर्थन में लोग पोस्ट कर रहे हैं। लोग उन्हें ईमानदार अधिकारी बताने के साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यूट्यूबर भी उनके समर्थन में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। एक यूट्यूबर ने उनके संघर्ष की कहानी को बयां किया तो दूसरे ने बताया कि उन्होंने कैसे कड़ी मेहनत और विदेश तक पहुंची आईपीएस बनने की कहानी भी साझा की। एक यूट्यूबर ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर तीखी टिप्पणी की। कुंदरकी के लोग भी सोशल मीडिया पर इल्मा अफरोज के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में विवाद के बाद कुंदरकी लौटी इल्मा अफरोज से मिलने उनके रिश्तेदार, करीबी और परिचित भी पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। आईपीएस इल्मा भी अपनी मां के साथ कुछ रिश्तेदारों से मिलने उनके घर पहुंची। इल्मा अफरोज ने बताया कि वह 21 नवंबर तक छुट्टी पर हैं।